अब्बास सिद्दीकी को मिली थी धमकी। ये सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है। 15 दिन पहले आया था धमकी भरा कॉल, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए ये भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई थी, 15 दिन पहले उनके पास कॉल भी आया था, क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ गैंगस्टर एंगल पर तमाम जो दावे शूटर्स कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी के फोन कॉल और उनके आज सुबह जब फैमिली से बातचीत की, पुलिस पहुंची थी, तो उनसे जो चीजें पता लग रही है उससे कहीं ना कहीं अब एक तरीके से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही कि जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी काफी मुखर थे और उसको लेकर वो प्रोटेस्ट भी कर चुके थे। बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो भी 2 दिन के लिए अनशन पर बैठे थे। क्या इस पूरी हत्या के पीछे वो जमीन को लेकर विवाद था और जो थ्रेट मिला था क्या किसी अंडरवर्ल्ड के जरिए वो थ्रेट दिया गया था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 15 टीमें इस पूरे केस में लगी हुई हैं, जो हर एक चीज निकलकर सामने आ रही है उसको वेरीफाई कर रही है। जो शूटर्स क्लेम कर रहे हैं उसको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। जो फैमिली स्टेटमेंट दे रही है उसके लिए टीम अलग से तैयार की गई है, जो कि हर पहलू पर इस केस को मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जेल में बैठ के आखिर ये गैंग कैसे अपने जो गुर्गे हैं उनको एक्टिवेट करता है, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है? देखिए, अब वो दाऊद के बाद में वो हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पीछे आपने देखा कि जेल से उसने एक बड़े चैनल को डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू दिया। उनका जो दखल है आज, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड, तमाम जिस तरह के अंडरवर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पैसे को लेकर धमकी देने वाली हो, थ्रेट वाली बात हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, पूरी हिंदुस्तान की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका नेटवर्क हिंदुस्तान में ही नहीं है। आप यहां से देखें, अमेरिका, कनाडा, इनका भाई अमेरिका बैठा हुआ है, साथी कुछ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया है, मिडिल ईस्ट में, तमाम वर्ल्ड के तमाम कॉर्नर्स में। आज जिस तरह के दाऊद का किसी टाइम बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दबदबा होता था, उसी तरह से आज ये इनका एक नाम आ चुका है। हजारों की तादाद में रिक्रूट किए जाते हैं, यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाता है जिनको ये भी नहीं पता होता कि वो किस काम के लिए हायर किए जा रहे हैं। जैसे आज बाबा सिद्दीकी के मर्डर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो उसके किलर्स थे, जो कॉन्टैक्ट किलर थे, उनको ये भी नहीं पता था कि किस आदमी की वो शूट आउट करने जा रहे हैं, किस आदमी को मारने जा रहे हैं। कानों कान खबर नहीं होती और एक काम दूसरे को, दूसरा काम तीसरे को, ये तमाम चीजें हैं। चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान नाकामी भी तो है ना, भूषण जी, ये नाकामी भी तो है। जो चेन गोल्डी बराड से लेकर के जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अपने गुर्गों को एक्टिवेट कर रहा है, उसे कॉन्टैक्ट करता है, उन्हें सुपारी दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं नाकामी पुलिस की भी है जो उस चेन को तोड़ नहीं पा रही, उसे डिकोड नहीं कर पा रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें पुलिस, चूंकि पुलिस का जो क्षेत्राधिकार है केवल भारत के अंदर है, पर जो रिमोट कंट्रोल है, आपने देखा, अभी आपने सिद्धू मूसे वाले का नाम लिया, किस तरह से सिद्धू मूसे वाले की उसके घर के अंदर एक तरह से पुलिस की तमाम सिक्योरिटी के बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये उसके बहुत सारे नेटवर्क इस तरह का हो चुका है, क्योंकि आजकल जो तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तमाम सिस्टम, चाहे बैंक से पेमेंट करना हो, कॉल डिटेल्स करना हो, डार्क वेब का सिस्टम है, तमाम तरह की चीजें हैं जो आज के पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हालांकि इस मामले के अंदर पुलिस बिल्कुल, वेद भूषण जी हम आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन बता दें ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में जो एंगल निकल कर सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में समझिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से माया नगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है
क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे, और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को मिटाकर दोनों के बीच सुलह करवाई थी, और सलमान शाहरुख की सुलह कराने के बाद से ही बाबा सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए थे। ये तो सिर्फ कयास हैं जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की एक वजह हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन दो शूटर्स को अरेस्ट किया गया इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं, और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। मर्डर की सनसनीखेज घटना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को मर्डर की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी महाराष्ट्र से लेकर यूपी हरियाणा तक जांच चल रही है। यहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग जब भी अपने किसी दुश्मन को मारता है तो वो खुद सामने आकर मर्डर की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अभी तक लॉरेंस गैंग की तरफ से ना कोई बयान आया है और ना ही कोई पोस्ट। इसलिए मुंबई पुलिस मर्डर की इस घटना की हर एंगल से जांच करने में जुटी है, और जल्द ही पुलिस कुछ नए खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही कि क्या इस हत्याकांड का सरगना लॉरेंस है? अब आपको बताते हैं कि लॉरेंस का ऑपरेशन 10 क्या है, कि कौन कौन इससे ऐसे लोग हैं जो उसके टारगेट पे हैं। देखिए, सलमान खान अभिनेता जो टॉप मोस्ट है काला हिरण शिकार मामले में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारना चाहता है। आपको याद होगा कि उस समय जब शिकार हुआ था उसके बाद से वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। लॉरेंस के करीबी विक्की के शूटर को छिपने में शगुनप्रीत ने मदद की थी। शगुनप्रीत जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है वो भी लॉरेंस के निशाने पे है। वहीं मनदीप धारीवाल जो बम्बीहा गैंग का लीडर है वो भी इसके निशाने पर है। विक्की के शूटर को छिपाने में मनदीप ने मदद की थी, इसलिए इसके निशाने पर है। वहीं कौशल चौधरी जो गैंगस्टर है, लॉरेंस गैंग के कबूलनामे के मुताबिक कौशल ने भी विक्की बुदुखेड़ा के साथ दिया था। वहीं कौशल चौधरी जो गैंगस्टर है, भोलू शूटर अनिल लठ और सनी लेफ्टी को हथियार मुहैया ये करवाता था। इसलिए अमित डागर, लॉरेंस ने अपने कबूलनामे में बताया कि विक्की के कत्ल की पूरी साजिश इसने रची थी जो काफी करीबी था लॉरेंस के, और इसीलिए अमित डागर भी उसका दुश्मन है। अमित डागर कौशल चौधरी ने तैयार की थी, जो भी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वो इसने तैयार की थी। सुखप्रीत सिंह ये भी उसके टारगेट पे है, लॉरेंस के करीबी। अमित शरण की हत्या के पीछे सुखप्रीत सिंह का हाथ है, इसलिए ये भी उसकी लिस्ट में है। लकी पटियाल की बात करेंगे, लकी पटियाल को अपना दुश्मन मानता है लॉरेंस बिश्नोई, और इसीलिए वो भी टारगेट पे। रम्मी मसाना, रम्मी से अमनदीप की हत्या का बदला लेना चाहता है लॉरेंस, और इसलिए रम्मी मसाना भी उसकी लिस्ट में है। गुरप्रीत शेखो ये कौन है आपको बता दें, गोंडर गैंग का सरगना है गुरप्रीत सिंह, और इसलिए ये भी निशाने पे है। भोलू शूटर, भोलू शूटर कौन है? लॉरेंस के करीबी, विक्की का कातिल है भोलू शूटर, और चूंकि लॉरेंस के करीबी विक्की को मारा था इसलिए भोलू शूटर भी उसके निशाने पे। यानी कि ये ऑपरेशन 10 लॉरेंस के जो हमने आपको बताया।
तो बड़ा सवाल दरअसल खड़ा होता है कि जो हत्याकांड का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई, आखिर कैसे इसके निशाने पर, जिस तरीके से यहाँ पे टॉप मोस्ट जो इंडिया के लोग हैं वो निशाने पर है। सीधे रुख करते हैं हमारे जो खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे एक बड़ा गैंगस्टर जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट लोग, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हो, सब निशाने पर है और बड़े आराम से वो हत्याकांड के बाद जो जिम्मेदारी लेता है, आकर के सामने से कहता है कि भाई हमें जिम्मेदार है इसके लिए, और मुंबई पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जांच की बात करती है, कार्रवाई की बात करती है। देखिए, जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चाहे सीबीआई करे, चाहे लोकल पुलिस करे, क्राइम ब्रांच करे, वो पहला कोशिश होती है कि मोटिव एस्टेब्लिश करना, मकसद क्या था। ये आम मर्डर नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी थी, तमाम तरह की चीजें थी, और वेपन्स किस तरह के ऑटोमेटिक वेपन्स थे कि 6 राउंड फायर फटाफट हो गए और जो उनके पीएसओ थे वो खड़े के खड़े रह गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, और सबसे बड़ी चीज है पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये जो आर्म्स सप्लाई होते हैं, ये छोटे मोटे आर्म्स नहीं होते, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। तमाम चीजें और इन्वेस्टिगेशंस में आएंगी, इनके सीसीटीवी कॉल डिटेल्स और इनके जो मोबाइल कॉल डिटेल्स से पता लगेगा और कौन-कौन इनके एसोसिएट थे, कौन-कौन दूसरे लोग इनके कनेक्शंस थे। और जैसा मैंने बताया कि मोटिव एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि क्या बदला लेने के लिए किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे टाइम पर यह मर्डर पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्राइम के एंगल से तो पूरे हिंदुस्तान में आज पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ डिबेटिंग है कि किस तरह से यह क्राइम को सरंजाम दिया गया, कौन लोग इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है, क्या लॉरेंस बिश्नोई है, क्या उसके गुर्गे हैं, क्योंकि गैंग्स के अंदर आपस में भी गैंगवार होती है, वो दूसरे को फंसाने के लिए अपना नाम ले लेते हैं, दूसरे का नाम लेते हैं। तो इस तरह की चीजों को समझना और डिकोड करना पुलिस के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। फिर भी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो भी उसके अभियुक्त है उनको चार्जशीट किया जाए, जिससे कि न्याय मिल सके और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर पुलिस का विश्वास बना रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बॉम्बे पुलिस ने जिस तत्परता के साथ में 3 मुलजिम अभी तक अरेस्ट किए हैं और बेसिक जानकारी उनके बारे में आ चुकी है, और सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि तमाम यंगस्टर्स हैं, कोई अधेड़ उम्र का या बड़ी उम्र का क्रिमिनल नहीं है, यंगस्टर्स भर्ती किए जाते हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं या एस्टेब्लिश अब तक आई हैं, उसमें तमाम जो यंगस्टर्स हैं 20 से 25 साल की उम्र के बीच के यंगस्टर्स, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है अब मुंबई पुलिस के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके का एंगल निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको बता दें कि क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर, हत्याकांड को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर कड़ा एक्शन ले रही है। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसके बाद सियासत हो रहे, राहुल गांधी से लेकर या तमाम नेता, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, तमाम लोग कानून व्यवस्था, चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह कि एक संवेदनशील आपराधिक घटना है, और इस आपराधिक घटना में जो भी गुनाहगार है उसके गृहबान तक कानून के हाथ पहुंचना शुरू हो गए हैं और पहुंचेंगे, और उनको कानून के कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत सज़ा मिलेगी। लेकिन जहां तक सवाल है, इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर भी असंवेदनशील सियासत करना मुझे लगता है ठीक नहीं। कुछ लोगों की आदत हो गई है, जो तर्कों की कंगाली से जूझते रहते हैं और कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं, वो हर इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशील व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं।